जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक 8 साला मासूम बच्ची के साथ हुए इस्मत रेजी और कत्ल के घिनौने काम को शायद हिंदुस्तान कभी भुला पाएगा और इस कत्ल और आबरेजी पर हुई सियासत को भी शायद कभी कोई भूल पाएगा। ये कैसा मामला था जिसने हर उस इंसान को हिला डाला जिसके अंदर जरा भी इंसानियत बाकी थी, लेकिन कुछ कट्टर दिल वाले इस पर भी सियासत करने से नहीं चुके और न ही उन्होंने कोई कसर छोड़ी इस घिनौने वाक्य को भी मजहब से जोड़ने की। और जहां क्राइम ब्रांच की तहकीकात को लेकर पहले ही एक मखसूस तबके ने, जिसका काफी मजबूत वोट बैंक है, सवालात उठाए थे, वही एक नाम निहाद इंडिपेंडेंट ग्रुप इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियन ने कल एक रिपोर्ट मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह राणा को सुपुर्द कर दी, जिसमें ग्रुप की सरबरा और सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोरा ने क्राइम ब्रांच की तहकीकात पर सवाल उठाए हैं। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी की स्टेट यूनिट ने अपनी वेबसाइट पर उनकी स्पीच को अपलोड किया है, जिसे इस ग्रुप की खुद मुख्तारी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। वैसे तो कहने को ये ग्रुप खुद मुख्तार था, लेकिन जब हमने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि अपने आप को खुद मुख्तार कहने वाली और कठुआ मामले पर रिपोर्ट देने वाली मोनिका अरोरा बीजेपी की ही कारकुन है और इसे साफ हो जाता है कि ये ग्रुप खुद मुख्तार था या नहीं। आइए देखते हैं मोनिका अरोरा की ये पुरानी वीडियो जहाँ वो बीजेपी की पॉलिसी की तायद करती नजर आ रही है। ये कुछ लोग हैं जो आप उंगलियों में गिन सकते हो। ये प्रोफेसर हैं, ये लॉयर्स हैं, ये एनजीओज हैं, ये कुछ मीडिया पर्सन्स हैं जो देखते हैं कुछ जिहादी और लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म का है तो चुप कर जाते हैं। ये जब विपक्ष में होते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चिल्लाते हैं। क्या कहा था 9 फरवरी को जेएनयू में, भारत पहले तुम्हारे। और मामला सिर्फ यही खत्म नहीं होता। इंटरनेट पर उनकी कई ऐसी वीडियोस हैं जहां वो सैकड़ों बार जिहादी लफ्ज का इस्तेमाल करती हैं और एक मखसूस तबके को निशाना बनाती हैं। वो आगे कहता है कि मुझे पाकिस्तान से मार कर भगा दिया, मैं यहां आ गया। मुझे बांग्लादेश से मार कर भगा दिया, मैं यहां आ गया। अब बंगाल से भी मार कर भगाओगे तो कहां जाऊंगा और तुम कहां जाओगे। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के हिंदू कह रहे हैं कि आखिर सहने की भी सीमा होती है, आखिर सहने की भी सीमा होती है। सागर के उर में भी ज्वाला सोती है, मलयानील कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। ये तो बस चंद नमूने थे, आप खुद भी इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि उनकी जहनियत क्या है और वो किन ख्यालात की तायद करती हैं। अब अगर मोनिका अरोरा और उनका ग्रुप खुद को इंडिपेंडेंट करार देते हैं तो उनकी मंशा पर सवाल खड़ा किया जाना लाजमी है और इस बेहद वहशियाना सानिहे पर मोनिका जैसी वकील का सामने आना और जांच करना और फिर बीजेपी के मरकजी वजीर को रिपोर्ट देना खुद उनको ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। और शायद मोनिका उस बच्ची के दर्द को और उस माँ बाप की आह को समझ ही नहीं पाई, जिससे वो उनकी परेशानी को महसूस कर पाती कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। अगर वो शायद उनके दर्द को 1% भी समझती तो हर बार की तरह उन लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करती जिसके लिए वो जानी जाती हैं। फिलहाल मोनिका जैसे नामी वकील का इस मामले में आना और रिपोर्ट देना खुद में ही परेशान कर देने वाला काम है, क्योंकि अगर कुछ मखसूस जहनियत वाले लोग ही तहकीकात करने लगेंगे तो पुलिस और बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का क्या काम रह जाता है। डेस्क से मुंसिफ टीवी के लिए शकील हमीद और मुनिसनवर की रिपोर्ट।